साथियों, एक समय था जब रेनो अपनी 10,000 के आसपास या इवन कहें तो 8,000 से ज्यादा यूनिटी भारत में बेचती थी। लेकिन पिछले कुछ महीने से या फिर कोरोना के बाद और सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज के बाद से कंपनी का जो रफ्तार है, प्रोडक्शन है, वो अभी भी गति नहीं पकड़ पाया। यही कारण है कि लगभग 5 से 6 हजार के आसपास बिक्री प्रत्येक महीने हो रही है। एक समय था जब 2 कारें रेनो की 4,000 से ज्यादा बिकती थी। शुरुआत में चाहे क्विड और ट्राइबर की बात करें या बाद में ट्राइबर और काइगर की बात करें, पर हाल फिलहाल में कोई भी गाड़ी रेनो की कोई भी कार 2,000 के आसपास ही बिक रही है, या यूं कहें कि 2,500 को पार नहीं कर पा रही। अब यदि पिछले महीने यानी नवंबर 2022 की बात करें तो नवंबर में सबसे ज्यादा रेनो की जो 3 कारें हैं उनमें सबसे ज्यादा 7 सीटर एमपीवी जो ट्राइबर है वो बिकी है। ट्राइबर की कुल 2,550 यूनिट बिकी है। हालांकि नवंबर 2021 से तुलना करें तो उस समय से ये थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि नवंबर 2021 में ड्राइवर की 1,843 यूनिट बिकी थी। तो अब 1,800 से 2,500 पर पहुंचना ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। लेकिन आपको बता दें कि ड्राइवर एक समय ऐसा भी था जब 5,000 से ज्यादा यूनिट इसकी सेल होती थी, और इसका हाईएस्ट एवर यदि बात करें तो ये नवंबर 20 की बात है जब इसकी 6,200 यूनिट बिकी थी, यानी 2 साल पहले की बात है। तब ये 6,000 के आसपास बिकती थी, लेकिन अब इसका प्रोडक्शन जो है काफी कम हो चुका है और ये 2,500 या 3,000 के आसपास बिकती है। इसी तरह से नंबर 2 की बात करें तो सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी काइगर नंबर 2 पे है। काइगर की बिक्री भी कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी 2000 के आसपास ही बिक रही है। नवंबर 2022 में काइगर की कुल 2,278 यूनिट बिकी है, 2,278 यूनिट बिकी है। हालांकि नवंबर 21 से तुलना करें तो उससे ये थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि नवंबर 21 में 2,062 यूनिट बिकी थी। और इसी तरह से जो तीसरी कार है क्विड, जो एंट्री लेवल भी है क्विड 800, अगले साल यानी 2023 में इसके बंद होने की संभावना। ऑल ओवर क्विड ठीक ठाक बिक रही है, लेकिन जैसी आशाएं क्विड से है वैसा यहाँ भी नहीं हो रहा है। क्विड की नवंबर 2022 में केवल 1,497 यूनिट, ऑलमोस्ट 1,500 यूनिट बिकी है, जो काफी कम है। तो इस तरह से देखें तो कुल मिला के नवंबर 2022 में यदि पूरी रेनो की तीनों कारों का हम टोटल करें तो 6,325 यूनिट बिकी है, जो कोई बहुत बेहतर आंकड़े नहीं है, लेकिन फिर भी मान सकते हैं कि ठीक ठाक रेनो अभी भी संघर्ष कर रही है। हालांकि नवंबर 21 से ये काफी ज्यादा है, नवंबर 21 में 5,052 यूनिट बिकी थी, जिसमें डस्टर की 225 यूनिट है वो भी शामिल थी। तो इस तरह से देखें तो वर्ष दर वर्ष की तुलना में यानी नवंबर 21 से नवंबर 22 में 25% जो है वो बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आशाएं ये है कि उसका जो सेल्स फिगर है वो 8,000 से ऊपर रहे। साथियों, हम प्रत्येक महीने आपके लिए कारों के सेल्स फिगर लेकर के आते हैं। अलग अलग कंपनी अपनी कौन सी कार कितनी संख्या में बेचती है वो सब हम जानकारी आपको देते हैं। लिया जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।